अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको मेरे लेटेस्ट और न्यू वीडियोस देखने हैं तो प्रेस बेल आइकन। जून में शाओमी ने अपने मी 8 सीरीज में 3 मॉडल पेश किए थे। कंपनी ने शाओमी मी 8, मी 8 एक्सपोज और मी 8 एसी को पेश किया था। मी 8 एसी इस सीरीज का सबसे सस्ता फोन है और कहा जा रहा है कि कंपनी इसे भारत में भी पेश कर सकती है। वहीं आज शाओमी के 8 सीरीज फोन के बारे में नई जानकारी आई है। खबर है कि कंपनी मी 8 एक्स को लॉन्च न करने वाली है। इस फोन की लाइव तस्वीर सामने आई है। चीनी सोशल नेटवर्किंग साइट वेइबो पर फोन के कुछ फोटो शेयर किए गए हैं, साथ ही शाओमी मी 8 एक्स के बारे में कुछ खास जानकारियां भी आई हैं। फोटो में शाओमी मी 8 एक्स का पिछला पैनल दिखाई दे रहा है जो ग्लास फिनिश में है। फोन की बॉडी कर्व्ड है और पिछले पैनल में डुअल कैमरे को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फोन में डुअल कैमरा वर्टिकल स्टाइल में दिया गया है, वहीं कैमरे के बीच में फ्लैश है। जहां तक फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन की बात है तो दी गई जानकारी के अनुसार इस फोन में आपको वीवो X21 की तरह स्क्रीन पर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार Xiaomi Mi 8 X को Qualcomm Snapdragon 710 चिपसेट पर पेश किया जा सकता है। इस फोन के स्क्रीन साइज की जानकारी अभी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि इस फोन में फिलहाल फेस रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि की बैटरी के बारे में खबर है। जानकारी के अनुसार कंपनी इसे 3100 mAh की बैटरी दी जा सकती है। जहां तक Xiaomi Mi 8 की बात है तो इस फोन में 2248x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.21 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दी गई है। यह फोन MIUI 10 पर कार्य करता है तो Android ऑपरेटिंग सिस्टम 8.0 Oreo आधारित है। Xiaomi Mi 8 Qualcomm के Snapdragon 845 चिपसेट पर रन करता है जो फिलहाल सबसे ताकतवर चिपसेट में से एक है। वहीं यह फोन 6GB रैम मेमोरी के साथ आता है, जबकि कंपनी ने इसे 6 4GB, 1 2 8GB और 2 5 6GB सहित 3 स्टोरेज में पेश किया है। फोटोग्राफी के लिए Xiaomi Mi 8 में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरे सेंसर मौजूद हैं, जबकि फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। Mi 8 का सेल्फी कैमरा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करता है।